खबर आगरा से, जहां वंदे भारत ट्रेन से टकराया एक जानवर। वाराणसी से आगरा जाते वक्त यह हादसा हुआ। ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आगरा के छलेसर एतमादपुर के बीच हादसा हुआ है। बड़े हादसे का शिकार होने से बची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। चलती वंदे भारत ट्रेन से एक जानवर टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रेन के आगे के हिस्से को आप देख रहे हैं, वो थोड़ा डैमेज हुआ है। ट्रेन से जानवर के टकराने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वाराणसी से आगरा जाते वक्त ये हादसा हुआ है। जानवर के टकराने से ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आगरा के छलेसर एतमादपुर के बीच ये हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अचलपुर, अकोला और नागपुर में जनसभा होनी है। पहली जनसभा अचलपुर में होगी। यहां बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण तायडे के लिए वो प्रचार करेंगे। सीएम योगी की दूसरी जनसभा अकोला पश्चिम विधानसभा प्रत्याशी के लिए होगी। बीजेपी ने इस सीट से विजय कमल किशोर अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीसरी जनसभा संयुक्त रूप से होनी है। मुख्यमंत्री यहां उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस, नागपुर दक्षिण से मोहन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं नागपुर मध्य की बात करें, प्रवीण प्रभाकरण राव वटके दटके व नागपुर उत्तर से डॉक्टर मिलिंद माने के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की अपील और राज्य सरकार की अपील पर बहस पूरी होने के बाद 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज कराई गई आगजनी की प्राथमिकी के मद्देनजर एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट कानपुर नगर ने पूर्व विधायक समेत 5 लोगों को 7 साल की कैद सुनाई थी। सजा से इरफान की विधायकी भी खत्म हो गई थी। इस सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। साथ ही अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई की मांग की है। पूर्व विधायक इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद है। बाराबंकी में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। पीछे चल रहे दूसरी कार में मौजूद लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाया है। वीडियो में शख्स कह रहा है कि कार पलटने से पहले 2 कार का एक्सीडेंट कर चुकी है। लखनऊ अयोध्या हाईवे का ये वीडियो बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो कार इस वक्त आपको डिवाइडर से टकराकर पलटती हुई दिख रही है, इस कार ने इससे पहले 2 कार में टक्कर मारी है और भागने के क्रम में ये खुद डिवाइडर से टकराई और उसके बाद पलट गई है। इस हादसे का वीडियो आप देख रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं। पीछे की कार में मौजूद लोगों ने ये वीडियो बनाया है। उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि ये कार टकराने वाली है, डिवाइडर से पलटने वाली है, क्योंकि कार की रफ्तार ज़्यादा थी और साथ ही ये कार पहले से ही हादसा करते हुए आ रही थी। कई और कार वालों को भी इसने टक्कर मारी थी। उन्नाव में 100 से ज्यादा बाराती फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। लगभग 150 से ज्यादा बारातियों की खीर खाने से तबियत बिगड़ी है। सभी को आनन फानन में अलग अलग नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पूर्व प्रधान अबरार की बेटी की शादी थी। आसिवन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की यह घटना है। शादी में हाँ, वही खाना खाए, खीर खाए। कितने लोग होंगे? करीब 4-5 हैं, 600 लोग होंगे। सब बीमार हो गए? हाँ।